नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि रात में ट्रेन में सफर के दौरान ट्रैक के साइड से सीटी की आवाज क्यों सुनाई देती है और इसे कौन बजाता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रात में यात्रा के दौरान ट्रैक के नीचे से सीटी कौन बजाता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, जो कि देश के कोने कोने तक जंगलों पहाड़ों से होती हुई फैली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा इनके देखभाल की जरूरत होती होगी, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी एक बड़े खतरे का कारण बन सकती है। दोस्तों, इसीलिए इन रेलवे ट्रैक्स की देखभाल के लिए एरिया वाइज रेलवे के ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं, जो कि हमेशा अपने एरिया के ट्रैक्स की निगरानी करते रहते हैं। रात के समय भी यह कर्मचारी पेट्रोलिंग करते हैं। दोस्तों, इनके एरिया वाइज दो लोगों का एक ग्रुप होता है, जिन्हें कि पेट्रोलमैन कहा जाता है। इनका काम होता है ट्रैक्स की देखभाल करना। इनके पास एक हैंड लैंप सिग्नल, फिश प्लेट को कसने के लिए स्पैनर और भी कुछ जरूरी सामान रहता है। एक पेट्रोलमैन स्टेशन ए से चलकर स्टेशन बी की ओर जाता है और दूसरा बी से चलकर ए की ओर आता है। दोस्तों, इनके पास एक डायरी होती है, जिस पर स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर रहता है, जिससे दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को इस डायरी को एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से दोनों स्टेशन मास्टर को यह पता चलता है कि बीच में ट्रैक सब ठीक ठाक है। दोस्तों, अगर ट्रैक्स में कोई भी दिक्कत होती है तो यह पेट्रोलमैन लाल सिग्नल को दिखाकर ट्रेन को रुकवाते हैं। यह पेट्रोलमैन गर्मी, बरसात और कड़कती ठंडियों में भी अपनी ड्यूटी को करते हैं और ट्रैक्स की निगरानी और देखभाल करते रहते हैं। अब अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यही पेट्रोलमैन उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के समय मुंह से बजने वाली सीटी को जोर से बजाते हैं, जिससे लोको पायलट और गार्ड को यह सूचना मिलती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ट्रेन में बैठे यात्रियों को सोचने पर मजबूर करती है कि रात में यह सीटी कौन बजा रहा है। दोस्तों, लोको पायलट दूर से ही इन पेट्रोलमैन के ड्रेस और सामान को देखकर यह समझ जाते हैं कि यह रेलवे के कर्मचारी है और सीटी बजाकर यह सूचित कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, दिन के समय इस सीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिन में कुछ कुछ दूरी पर ट्रैक्स में मेंटेनेंस का काम वगैरह चलते रहता है और बीच बीच में की मैन अपने सेक्शन पर चाबियों को कसते हुए रहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रैक्स पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रात में यात्रा के दौरान ट्रैक्स के नीचे से सीटी कौन बजाता है और इसकी क्या जरूरत होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।